हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही इस बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। बिट्टू बजरंगी से पुलिस की पूछताछ जारी। कल क्राइम ब्रांच तावडू की टीम ने किया था गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी से जुड़ी। कल क्राइम ब्रांच तावडू की टीम ने गिरफ्तार किया था बिट्टू बजरंगी को और पूछताछ अभी जारी है। नू हिंसा मामले के चलते चर्चा में आया था बिट्टू बजरंगी। गौरक्षा दल हरियाणा का अध्यक्ष है बिट्टू बजरंगी और गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने का भी आरोप है। फरीदाबाद का रहने वाला है बिट्टू बजरंगी। नू हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुए थे भड़काऊ बयान के, उन वीडियोस में से एक मुख्य चेहरे के तौर पर बिट्टू बजरंगी सामने आया था। इसका नाम भी काफी चर्चा में रहा था उन वायरल वीडियोस के कारण। और अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है बिट्टू बजरंगी, जिससे पूछताछ जारी है। नू तावडू टीम ने कल इसे गिरफ्तार किया था। तो पुलिस की पूछताछ जारी है बिट्टू बजरंगी से और नू हिंसा से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हो सकते हैं, जिसका पता लगाने के लिए पुलिस जो है आरोपी से पूछताछ कर रही है। नू हिंसा मामले के चलते चर्चा में आया था बिट्टू बजरंगी। चलिए एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। नू हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या हुई 242। अब तक हिंसा को लेकर 60 FIR हो चुकी है दर्ज। 242 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है नू हिंसा मामले में और 60 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इस हिंसा को लेकर सबसे बड़ी गिरफ्तारी कह सकते हैं कि अब जो हुई है वो बिट्टू बजरंगी की कह सकते हैं कि हुई है। और कहीं ना कहीं इस हिंसा के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, इसका पर्दाफाश अब हो सकता है। अब हिंसा को लेकर 60 FIR दर्ज हो चुकी है नू हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन गिरफ्तारियों से क्या अहम सुराग पुलिस के हाथ लग सकता है, बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी और जो पूछताछ उससे लगातार पुलिस कर रही है, इससे क्या कुछ सुराग पुलिस के हाथ अब लगने वाले हैं, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शिवानी लोहिया। शिवानी, जरा बताएं कि अब तक जो को गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें जो अब ये गिरफ्तारी बिट्टू बजरंगी की पुलिस ने की है, इस गिरफ्तारी को कैसे देखा जाए, क्या लगता है कि अब ये गुत्थी सुलझने वाली है नू हिंसा की? बिल्कुल कायना, जिस तरीके से आपको बता दूं कि हाल ही में जो बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी से आई है तावड़ों के द्वारा फरीदाबाद में उनके घर से की गई है और उसके बाद से जो लगातार पुलिस के जो आरोपियों के पकड़ने के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल तक जो आंकड़ा 230 था वो आज 242 पहुंच चुका है और 60 FIR जो है वो दर्ज हो गई है, जिससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो पुलिस है वो एक कामयाबी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करूं कि ये FIR किस तरीके से फिलहाल जो FIR दर्ज करने का सिलसिला चल रहा है वो कई तरीके से कायनात चल रहा है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स वाले थे जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनलों के जरिए जो है वीडियोस बनाई हैं, उनके लिए वीडियो बनाई है और यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो डालने के बाद वो पब्लिश हुई है, लोगों ने जो है उन्हें देखा है, फॉरवर्ड हुए हैं, शेयर हुए हैं, तो उन पे भी जो है फिलहाल पुलिस जो है पूरी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर इसके जरिए जो है सभी पर जो है शिकंजा कसने का काम यहां पर हरियाणा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से आंकड़ा आप खुद सोचिए कायनात की, कल तक जो आंकड़ा 230 था आज वो 242 हो गया है और FIR की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि साफ है कि आरोपी जिनसे पूछताछ की जा रही है वो जो है दिन प्रतिदिन पूछताछ के जरिए जो है अपने साथियों के नाम बता रहे हैं और उन्हीं साथियों के नाम पर पूछताछ में जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं उन्हीं को जो है पकड़ा जा रहा है और इसी तरीके से जो 12 नाम आगे बढ़े हैं, मतलब 242 जो हुए हैं उसी प्रकार से हुए और FIR जो है वो एक नई आई है। तो साफ तौर पर जो पुलिस है वो गहनता से पूछताछ कर रही है और गहनता से पूछताछ करने का ही नतीजा है कि लोग जो है वो टूट रहे हैं, जो आरोपी हैं वो टूट रहे हैं और वो अपने साथियों के नाम जो है वो बयां कर रहे हैं। शिवानी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिट्टू बजरंगी पर जो है किन किन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं पुलिस की ओर से और अब जो उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, कितने दिन की रिमांड जो है पुलिस के पास है बिट्टू बजरंगी की और क्या अब मोनू मानेसर तक भी पुलिस पहुंच सकती है, क्या उससे भी अब माना जाए कि पुलिस के हाथ अब ज्यादा दूर नहीं?
बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मोनू मानेसर की अगर बात करें तो हालांकि राजस्थान पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अगर इस मामले में नू हिंसा में मामले में बात की जाए तो बिल्कुल पुलिस जो है वो कह रही है कि हाँ हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब राजस्थान पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है तो वहाँ तक हाथ जाने थोड़े जो है असमंजस भरे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन बिट्टू बजरंगी के खिलाफ किन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है उन पर अगर बात करें, सबसे पहले बता दूं कि FIR नंबर 413 जो है वो उसमें जो है 413 मुकदमा नंबर है जिसमें FIR दर्ज जो है वो हुई है, जिसके जिसमें 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 और 25, 54 और 59 जो ये तमाम धाराएं हैं वो फिलहाल बिट्टू बजरंगी के ऊपर जो है वो लगाई गई है और गहनता से पूछताछ फिलहाल जारी है। CIA टीम ने जो है फिलहाल रिमांड पर लिया हुआ है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लू है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछताछ में बातें सामने आ सके और जो नू हिंसा की जो गुत्थी है वो जल्दी से जल्दी सुलझ सके। और किन बड़े चेहरों का नाम इसमें सामने आ सकता है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि बिट्टू बजरंगी जो है एक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है कि बिट्टू बजरंगी को जो है नू की जिला अदालत में पेश कर दिया गया है। तो अब ये जो पेशी हुई है और अब जो आरोप पत्र यहाँ पर दायर किया जाएगा, दाखिल किया जाएगा, वो कितना आप देख रही हैं? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है बिट्टू बजरंगी के खिलाफ, तो जो आरोप पत्र जो है चार्जशीट पेश की जाएगी वो कितनी ज्यादा यहाँ पर मजबूत होने वाली है बिट्टू बजरंगी के अगेंस्ट, और इससे क्या लगता है कि पुलिस जो है उन लोगों तक पहुंचेगी, उन चेहरों तक पहुंचेगी जिन्हें अभी बेनकाब करना बाकी है, जो पर्दे के पीछे हैं और साजिश के कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं? बिल्कुल कायना, जिस तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि तमाम धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है, तो जिस तरीके से एक कानूनी प्रोसीजर होता है उसी के तहत आज जो है बिट्टू बजरंगी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद साफ तौर पर जो पुलिस है वो मांग कर रही है रिमांड की। हालांकि पूछताछ फिलहाल कर ली गई है, लेकिन सख्ती से पूछताछ के लिए रिमांड जो है अभी फिलहाल लिया जाएगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है चार्जशीट जैसी बात कोई सामने आ नहीं रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज कोर्ट में भी पेशी हो गई है बिट्टू बजरंगी की और एक दिवसीय पुलिस रिमांड पर भी कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को भेज दिया है। पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ में जुटी हुई है, बीते रोज ही बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं।